उत्पत्ति अध्याय 15 इब्राहिम के साथ यहोवा के वाचा बांधने का वर्णन। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा कि हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूँ। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस यह दमिश्की एलीएजेर होगा, सो तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि यह तेरा वारिस न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। और उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूँ जो तुझे कसदियों के ऊर नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश का अधिकार दूं। उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी हूँगा? यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलोर और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेंढा और एक पिंडू और कबूतर का एक बच्चा ले। और इन सबों को लेकर उसने बीच से 2 टुकड़े कर दिए और टुकड़ों को आमने सामने रखा, पर चिड़ियों को उसने टुकड़े न दिया। और जब मांसाहारी पक्षी लोथों पर झपटे, तब अब्राहम ने उन्हें उड़ा दिया। जब सूर्य अस्त होने लगा, तब अब्राहम को भारी नींद आई और देखो, अत्यंत भय और महाअंधकार ने उसे छा लिया। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा, तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी, पर वे 4थी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे, क्योंकि अब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ। और ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त हो गया और घोर अंधकार छा गया, तब एक अंगेठी जिसमें से धुआं उठता था और जलता हुआ पलीता देख पड़ा जो उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गया। उसी दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ यह वाचा बांधी कि मिस्र के महानद से लेकर परात नाम बड़े नद तक जितना देश है, अर्थात केनियों, कनिजियों, कदमोनियों, हित्तियों, परिजियों, रपाइयों, एमोरियों, कनानियों, गर्गाशियों और यबूसियों का देश मैंने तेरे वंश को दे दिया है।